हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टमक एसिडिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए और ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टमक एसिडिटी के बारे में, यानी जैसे कि आप कहते हो कि हमारे पेट में एसिडिटी बन रही है, तेजाब बन रहा है, तो फ्रेंड्स उसी समस्या के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 90% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस बीमारी से ग्रस्त है और इससे पीड़ित है। तो इसीलिए हम आज इसके बारे में जानेंगे कि एसिडिटी कैसे बनती है, आपकी आप कहते हो गैस बन रहा है वो कैसे बनता है, क्या कारण है उसके बनने का और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सब हम इस विस्तार से जानेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टमक की, कि जो हमारी एसिडिटी होती है वो कहाँ पर होती है, स्टमक में ही तो होती है। तो इसीलिए सबसे पहले बात करेंगे उसके स्टमक की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टमक होता है इसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं उसके, कुछ एरिया होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पार्ट की, जैसे क्या है, एक हमारा स्टार्टिंग पार्ट होता है जिसको हम कार्डियक कहते हैं, यानी कार्डियक है हमारा एक किसका है, स्टमक का पार्ट होता है। फिर उसमें क्या होता है हमारा एक जो कर्व होता है, कर्व जहाँ से स्टार्टिंग होता है उस जगह पे कर्व सा होता है, उसको कहते हैं फंडस कहते हैं उसको। तो फिर जो हमारा सेंटर पार्ट होता है उसको कहते हैं बॉडी, और शायद जो हमारा ये होता है जहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसे कहते हैं पायरोलस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमारा पार्ट होता है इसमें जो एंडिंग पार्ट होता है स्टमक का, उसे ड्यूडेनम कहते हैं, यानी एंडिंग पार्ट होता है स्टमक का और स्टार्टिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी छोटी आंत का। तो फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो फ्रेंड्स, वो होता है हमारा ड्यूडेनम, यानी क्या है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टमक। तो उसको कहते हैं आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी स्टमक के। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि मतलब जो स्टमक में एसिडिटी बनती है वो कहाँ बनती है और कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एसिडिटी होती है क्या होती है, वो हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं। तो पैराइटल सेल्स के अंदर ही हमारी क्या होती है, वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हमारी एसिडिटी से बनती है, उसकी मैन्युफैक्चर होता है एसिडिटी का। तो फ्रेंड्स, में क्या करते हैं, हमने क्या कहा यहाँ पे, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, उस एक सेल को मैंने क्या आपको यहाँ पर के जूम करके दिखाया है, उसको एक सेल को लेकर के दिखाया, अलग से जूम करके दिखाया कि हमने मान लिया जो हमारा पैराइटल सेल्स होता है वो इस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जैसे आपने वाटर इनटेक किया यानी आपने पानी पिया, तो जो हमारा पानी होता है उसको क्या होता है, वो अपने पैराइटल सेल्स के अंदर जा करके टूट जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाटर आपने इनटेक किया था, तो ये वाटर कहाँ पहुंचा, हमारे सेल में पहुंचेगा, तो जो पैराइटल सेल्स होगी उसमें क्या होगा, हमारा वाटर डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, यानी हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में, यानी OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन और H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन। तो फ्रेंड, जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होगा यानी OH नेगेटिव आयन होगा, वो क्या होगा, वो कंबाइन होगा हमारे CO2 से। इसने कहा जो हमारा क्या है, ये हमारा इन ये है इन टू ब्लड और ये हमारे इधर साइड है ल्यूमन है। तो फ्रेंड, जो हमारा ब्लड से हमारी ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वह एंटर करेगी पैराइटल सेल्स में और कंबाइन होगी किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आयन, अपना हमारा जो क्या था, जो हाइड्रोक्सिल आयन था उसके साथ में कंबाइन होगी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। जैसे मैंने क्या है, यहाँ पे दिखाया गया आपको एक एरो से डिनोट किया है OH नेगेटिव प्लस, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का प्लस का साइन है और CO2, तो उससे क्या होगा, कंबाइन होगी और क्या बनाएगी, वो बनाएगी हमारी कार्बोनिक एसिड HCO3 नेगेटिव, यानी आपको देख सकते हैं ये है आपका ये HCO3 नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये होगी हमारी कार्बोनिक एसिड हो गई। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये रिएक्शन हुई उसको प्रोसीड कौन करा रहा है, इसको प्रोसीड करा रहा है, कैटालाइज करा रहा है हमारा एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो क्या कर रहा है, इसको कैटालाइज करा रहा है, स्पीड अप करा रहा है। कैटालाइज का मतलब क्या होगा, वो इसको रिएक्शन को स्पीड अप कराएगा, प्रोसेस देगा रिएक्शन को, उसका रेट को इंक्रीज कर देगा। तो इसको क्या करेंगे हम, एक एंजाइम में कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी हेल्प से रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। तो
तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना है HCO3 नेगेटिव बना है वो क्या होगा, वो हमारे सेल से बाहर हो जाएगा, कहां पे चला जाएगा, इनटू ब्लड में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, वो हमारे क्या होते हैं, जैसे आपको दिखाई गोला दिखाई सर्कल दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये होते हैं हमारे आयन एक्सचेंजर होते हैं, मतलब इनके थ्रू जो हमारे आयन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, यानी इफ्लक्स और इनफ्लक्स होता है किसके थ्रू, हमारे आयन इन आयन एक्सचेंजर का। तो फ्रेंड्स जो हमारे आयन एक्सचेंजर उसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिक एसिड था वो बाहर हुआ, कहाँ से, पैराइटल सेल से हमारे ब्लड में पहुंचा, और जो हमारे ब्लड में क्लोराइड आयन थे सीएन नेगेटिव वो कहाँ गए, वो अंदर गए, वो यानी यहाँ से इनसाइड हो गया हमारे पैराइटल सेल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारी प्रोसेस यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो क्या होता है कुछ अमाउंट में क्या होता है हमारा जो हाइड्रोजन आयन हो, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसको मुझे इधर दिखाना चाहिए था, तो मैंने इसको ऐसे करा कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन ये तो हमारा ऊपर चला गया, जो OH नेगेटिव था यानी हाइड्रोक्सिल आयन, तो हमारा कंबाइन होगा CO2 के साथ और वहां से कार्बोनिक एसिड बना के बाहर निकल गया। तो फ्रेंड जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या करता है, वो हमारा हाइड्रोजन आयन क्या होता है सेल से बाहर चला जाता है, किसके पास चला जाता है, हमारे ल्यूमन में चला जाता है, ल्यूमन का मतलब एक इनसाइड होता है कोई कैविटी होती है, ठीक है, तो ल्यूमन में चला जाएगा वो, तो किसके थ्रू जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आप दिखा देख सकते हो कि आपके जो नीला गोला दिखाया नील है, तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको आप हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase कहते हैं, मतलब कि आप ये पंप टाइप के होते हैं जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होते कह सकते हैं आप इनको। तो क्या होगा, इसके थ्रू जो हमारा हाइड्रोजन आयन था वो कहाँ गया, वो हमारा बाहर चला गया ल्यूमन में, और वहीं से क्या होगा, उसी के थ्रू हमारा जो पोटेशियम आयन था बाहर से, जो हमारा बाहर पोटेशियम आयन थे, जो हमारे बाहर पोटेशियम आयन थे वो क्या होगा, वो अंदर आया हमारे किसमें, पैराइटल सेल्स में एंट्री कर गए, यानी हमारा क्या होगा इनफ्लक्स हो गया। तो इनफ्लक्स होगा किसका, पोटेशियम आयन का, और क्या इफ्लक्स हुआ किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, हमारी पोटेशियम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी अंदर सेल में। तो फ्रेंड इधर भी क्या होते हैं, उधर हमारे क्या थे, यहाँ पे हमारे थे ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase और इधर हमारे हो गए सोडियम पोटेशियम ATPase, तो ये पंप हो सकते हैं। तो क्या सकते हैं, अब इसके थ्रू क्या, यहाँ से हमारी पोटेशियम अंदर जा रही है और यहाँ से हमारी जो सोडियम एंटर कर रही थी इफ्लक्स हो रही थी, अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से वो इनफ्लक्स हो जाएगी, तो क्या होगा एक्सचेंज हो गया ना, यहाँ पे पोटेशियम के साथ पोटेशियम का एक्सचेंज हुआ सोडियम के साथ और यहाँ पे पोटेशियम का एक्सचेंज हुआ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो गई हमारी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा क्लोराइड आयन यहाँ से एंट्री कर रहा था और उसके साथ भी कुछ और एंट्री कर रहा था, यहाँ से एंट्री करता रहेगा क्लोराइड, तो क्या होगा क्लोराइड आयन अपनी कंसंट्रेशन पूरी करके इसके थ्रू यहाँ से अपने क्लोराइड चैनल होंगे उनके थ्रू बाहर हो जाएगा, कौन से हो गए क्लोराइड चैनल होगी यहाँ पे हमारे, तो क्लोराइड चैनल के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा जैसे हमने कहा था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप क्या ले रहे थे, आप इनटेक कर रहे थे वाटर को, जो इनटेक कर रहे थे वो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन कुछ तो वहां भी बचेगा, तो क्या होगा और हमारा क्या होगा कंटिन्यू इनटेक कर रहे हैं वाटर को, तो क्या होगा जो हमारा वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ बाहर ज्यादा थी, अब सेल को भी तो रिक्वायरमेंट है भाई इसको एनर्जी के लिए, तो क्या होगी जो क्या हो, जब हमारा कोई भी कंटेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में एंटर करता है तो उसको कहते हैं आप ओसमोसिस। तो क्या होगा यहाँ से लोअर मतलब हायर कंसंट्रेशन, यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा, तो क्या होगा ओसमोसिस कंडीशन, तो ओसमोसिस हो जाएगी यहाँ से हमारी, अभी यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा, जैसे कि हमारी ओसमोसिस पूरी हुई तो वहां से वो अपना बाहर निकल के ल्यूमन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें बनता है HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो शायद यही हमारी मेन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या आप कहते हैं कि एसिडिटी बनती है। तो फ्रेंड्स अब ये एसिडिटी हमने देखी ऐसे बनती है, तो फ्रेंड्स अब इस देखते हैं कि इसका बनने का कारण क्या है, किस कारण ये हमारे इस तरह पे बनती है, इसका रीजन क्या है बनने का। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे दोस्तों आज बनने का, इसका सबसे बड़ा कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो क्या वो चेंज हो रहा है डे बाय डे, क्या वो चेंज होता जा रहा है उसमें। जैसे क्या है, हम आजकल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं फास्ट फूड को, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ज्यादा फास्ट फूड को प्रेफर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अपने जो नूडल्स वगैरह होते हैं उनको हम ज्यादा खा रहे हैं, जो हमारा हाइजीन है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, हाइजीन को ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, 24 घंटे मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा जिसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी में क्या होगा मूवमेंट नहीं हो पाता, और यहाँ ये कंडीशन हो जाती है, ये एसिडिक कंडीशन। तो फ्रेंड इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना हाइजीन को ध्यान रखना पड़ेगा, अपना क्या करना पड़ेगा अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा,
कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करे, अपना थोड़ा कुछ शेयर कर, शेयर पे जाए, दौड़ने जाए, रनिंग पे जाए, तो फ्रेंड ये सब फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हमारे एसिडिटी के लिए। जैसे यहाँ क्या होगा, अब हम खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर मैन्योर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जैसे यूरिया यूज कर रहे हैं, तो क्या ये छोटे छोटे फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फ्रेंड इसके लिए। तो क्या ये ही जो एसिडिटी होती है, ये इसीलिए क्या ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है फ्रेंड्स। अगर ये किसी को एक बार बनना स्टार्ट हो गई तो क्या ये स्टार्ट धीरे धीरे क्या होते हैं घातक रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं इसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारी पैदा होने लगती है। तो फ्रेंड जैसे एसिडिटी, अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी बनने लगी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से अल्सर भी हो सकता है, अल्सर कोज हो सकता है। अल्सर का मतलब क्या होता है, अल्सर में जो हमारा एसिड होता है एससीएल होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है जब वो यहाँ पे हमारे स्टमक में क्या होने लगता है, स्टमक में मतलब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारी स्टमक की इनर वॉल होगी, अंदर की वॉल होगी, वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो डैमेज होगी तो जो हमारा एससीएल है यानी एसिड है वो भाई, तो एसिड है तो हमारा एसिड क्या होगा हमारी स्टमक की जो वॉल है उसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जलन होना महसूस हो जाए स्टार्ट हो जाएगी, आपको पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा बहुत घातक। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो अल्सर है कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमारा कहाँ हो सकता है, एक तो सबसे पहले स्टमक में हो सकता है, पेट में हो सकता है, और कहाँ से दूसरा जो आपका खाने का रास्ता होता है यानी इसोफेगस कहते हैं जिसमें, उसमें हो सकता है आपका ये अल्सर हो सकता है। थर्ड ये आपका क्या होता है ड्यूडेनम में हो सकता है, ड्यूडेनम जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या होता है स्टार्टिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और एंड पार्ट होता है हमारे स्टमक का, उस पार्ट में हमारा क्या हो सकता है हमारा अल्सर कोस हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब बीमारी किसकी वजह से होती है, ये सब एसिडिटी की वजह से ही होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एसिडिटी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें और इसका ध्यान रखें, ट्रीटमेंट करें इसका और इसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो फ्रेंड्स ये तो होगी इसके बाद, अब इसकी हमने लाइफस्टाइल की जो हमारा जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग समय से हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो गया है ये, मतलब क्रॉनिक हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेडिसिन की। तो मेडिसिन में सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे, जो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो कहते हो कि भाई मुझे बहुत गैस बन रहा है, तो डॉक्टर आपको एक कैप्सूल देता है, कहता है इसको खाली पेट लेना है, आपको सुबह लेना, तो खाली पेट का कैप्सूल कौन सा होता है, वो होता है ओमेप्राजोल। तो फ्रेंड ये आपको खाली पेट दिया जाता है ओमेप्राजोल कैप्सूल। फिर फ्रेंड्स हम इसमें और भी लेते हैं, जैसे रेनेटाडिन लेते हैं हम इसमें, सिमेटाडिन का यूज करते हैं इसमें हम, ये बहुत सारे होती है, रेमेटाडिन होती है, सिमेटाडिन होती है, फेमोटाडिन होती है, और इसमें बहुत सारी कहते हैं, जैसे आप गैस के आप कैप्सूल्स लेते हो, इनो का यूज करते हो। तो फ्रेंड ये सब क्या, ये ट्रीटमेंट है हमारे एसिडिटी के ट्रीटमेंट है। और क्या है कुछ आप जैसे आप कुछ को आप डॉक्टर कभी कभी क्या होता है आपको एक सोल्यूशन भी देता है, सिरप भी देता है गैस की पीली पीली सी या हरेली सी, तो वो भी क्या होती है सब गैस को ट्रीटमेंट करने के लिए होती है, इसी कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये इसके ट्रीटमेंट हो गए। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, इसलिए आपको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इस लेक्चर को ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस कंडीशन से बच सके और इस बीमारी से बच सके। तो फ्रेंड्स एक बार एक ट्रीटमेंट और बताता हूँ आपको, ये मैं भी प्रूफ करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। आप जब भी सुबह उठें तो हल्का गुनगुना पानी जरूर लें, एक गिलास दो गिलास जितना भी आप पी सके उतना एक हल्का गुनगुना पानी लें, इतना गर्म भी मत लेना कि आप जला बैठो अपने मुंह को, तो मतलब इतना हल्का गुनगुना पानी लेना है आपको, जिससे क्या होगा आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और जो आपके एसिडिटी रिलीज हुआ है रात में क्या होगा वो क्या होगा वो साफ हो जाएगा आपका, वो आपके बाथरूम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इससे आपका पेट साफ होगा और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए ये एक वो सबसे अच्छा इलाज है, अगर आप इसको प्रूफ है मिले, प्रूफ से कह रहा हूँ कि अगर आप इसने इसको आपने इसको 6 महीने कर लिया तो लाइफ में कभी आपका एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बात। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगला कुछ और देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई इसमें डिफिकल्टी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज़।